हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपके चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.5 का 17th क्वेश्चन। इसके अंदर आपको देखो दे रखा है, डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये एक ब्रैकेट है, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, ये दूसरे ब्रैकेट में। इन तीन वेज में हमें करना है। पहला कौन सा है? बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो पहले प्रोडक्ट रूल से करना है, फिर बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पॉलिनोमियल बनानी है, फिर इसका डिफरेंशिएट करना है। और थर्ड मेथड है बाय लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, यानी कि लॉग लेके करना है। तो हम पहले फर्स्ट मेथड से करते हैं। देखो, मैंने सबसे पहले इसको y के इक्वल मान लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 में। तो प्रोडक्ट रूल से करना है हमें फर्स्ट पार्ट में। तो मैंने क्या करा, देखो फर्स्ट और ये सेकंड है हमारा फंक्शन, तो फर्स्ट को एज इट इज उतार लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और सेकंड का डिफरेंशिएशन, यानी कि 3x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो 3x स्क्वायर प्लस में 7x का 7 हो जाएगा और 9 का क्या हो जाएगा 0, प्लस में फर्स्ट फंक्शन का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और माइनस में 5x का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 हो जाता है। और ये सेकेंड वाली हमने एज इट इज उतार ली, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब मैंने इनकी मल्टीप्लाई करी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके ये सारा सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यू प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11, ये हमारा आंसर आ गया बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल से। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, इसका एक सिंगल पॉलिनोमियल बना के फिर इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे कर ली सिंपल, कि पहले x की पावर 3 की इन तीनों से मल्टीप्लाई, 7x की फिर इन तीनों से मल्टीप्लाई और फिर 9 की, तो इसको करके हमने एक सिंगल पॉलिनोमियल बना ली, ये वाली बन गई। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 5 है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, 5x की पावर 4, फिर ये 4 मल्टीप्लाई में आएगा तो 5 4 जाके हो जाएगा 20 और x की पावर 1 कम हो जाएगी यानी x का क्यूब हो जाएगी, फिर 15 3 जाए कितना हो जाएगा 45 और x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 26 की मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी 2 इसके साथ में, 26 के साथ 2 की मल्टीप्लाई होगी 52x हो जाएगा, प्लस में x का क्या हो जाएगा 1, तो ये 11 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमारा है थर्ड पार्ट, करना है हमें लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से, यानी कि हमें लॉग लेके करना है। तो सबसे पहले इसको y के इक्वल माना है, मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, y लॉग ले लिया, तो log y इज इक्वल टू log और ये मल्टीप्लाई में हमने क्या ले ली, इसकी ये पॉलिनोमियल जो हमें दे रखी है वो कर ले ली। अब log में क्या रूल होता है, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस में log n होता है, तो इसको एज इट इज उतार लिया, प्लस में log n उतार लिया। अब हमने डिफ्रेंशिएट कराया तो 1 अपॉन वाई, लॉग वाई का क्या होगा 1 अपॉन वाई इंटू में dy अपॉन dx, और log x का क्या होता है 1 अपॉन x होता है, तो इसका ये हमारा पूरा एक x काउंट करेंगे तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 हो जाएगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और x का क्या 1 होता है, इसलिए माइनस का 5 आ जाएगा और 8 का क्या हो जाएगा 0, फिर इसका करेंगे तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 हो जाएगा, फिर इसका करेंगे ऊपर वाले का तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस में 7 आ जाएगा और 9 का क्या हो जाएगा 0। देखो अगर log x होता है तो सिंपल 1 अपॉन x कर देते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और फंक्शन होता है फिर दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसीलिए हमने ये कर लिया। अच्छा, अब मैंने ये जो अपॉन में y होता है ये जब इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आएगी और y की क्या रख देंगे, ये वैल्यू जो हमने ये ओरिजिनल मानी थी ये कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसमें ना हम एलसीएम ले लेंगे, ये वाला एज इट इज उतार लेंगे, ये एज इट इज उतार लेंगे इसमें, और यहाँ पे क्या लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। देखो जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों ही चीज आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये दोनों ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 2x प्लस माइनस, इससे जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 5 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 9 आ जाएगा, प्लस में जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 2x प्लस 7 और क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8। अब जब हम इसको, ये वाली चीज तो हमारी कटी जाएंगी ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, यही आ जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 20x की क्यूब प्लस में 45x स्क्वायर माइनस में 52x प्लस 11। मींस क्या है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे, चाहे प्रोडक्ट रूल से करोगे, चाहे आप सिंगल पॉलिनोमियल बना के करोगे, चाहे आप लॉग से करोगे, तो आंसर क्या आएगा, तीनों में सेम आएगा।
अब हमारा 18th क्वेश्चन है. देखो, इफ यू वी एंड डब्ल्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स, हमारे को तीन फंक्शन दे रखे हैं और किसमें दे रखे हैं वो फंक्शन किसके हैं, एक्स के फंक्शन है, देन शो. अब हमें ये शो करना है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ इन तीनों का प्रोडक्ट यानी यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू, पहले का डिफ्रेंशिएशन दोनों को एज इट इज रखना है, फिर हमें इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यू इंटू वी मेथड से फिर से करेंगे, तो यू का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसमें वी का डिफ्रेंशिएशन किया इंटू में डब्ल्यू, प्लस में यू और वी लिख लिया और डब्ल्यू का फिर हमने करा डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स. तो हमें इसको दो तरीके से करके दिखाना है, यू वी इंटू डब्ल्यू का हमें दो मेथड से करना है, फर्स्ट बाय करना है प्रोडक्ट रूल से और सेकंड करना है हमें लॉगरिदम से. तो पहले हम प्रोडक्ट रूल से करते हैं, हमने वाई इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू ये हमें प्रूफ करके दिखाना है. तो हमने किया देखो, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स कर दिया, तो इसमें हमने इसको फर्स्ट फंक्शन माना है और इसको क्या माना है, सेकंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं प्लस में. अब हमें डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का और मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, सेकंड फंक्शन. तो हमने यू वी इंटू में डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स लिख लिया प्लस में. अब इसका करेंगे प्रोडक्ट रूल से, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाला एज इट इज, इंटू में डब्ल्यू रख देंगे. अब इसे ये यू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स तो एज इट इज और इस डब्ल्यू के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू में डब्ल्यू प्लस डी यू अपॉन डी एक्स इंटू में वी इंटू में डब्ल्यू, ये हमारा क्या आ जाएगा, जो हमें प्रूफ कर रहा था वो हमारा आंसर आ गया. अब इसको दूसरे मेथड से करना है हमें, किससे, बाय लॉगरिदम से. तो वाई इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू है, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, log y इज इक्वल टू लॉग यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू ले लिया. अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है log में, जो प्रोडक्ट में होते हैं वो किस में हो जाते हैं, हमारे प्लस में हो जाएंगे. तो log y इज इक्वल टू लॉग यू इंटू लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू हो जाएगा. अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इसका करेंगे तो 1 अपॉन यू इंटू में डी यू अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में कर रहा है और यू वी डब्ल्यू के ऐसे फंक्शन है, x के फंक्शन है. इसका करेंगे तो 1 अपॉन वी इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स प्लस इसका करेंगे 1 अपॉन डब्ल्यू इंटू में डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स. अब ये जो y डिवाइड में है ये इधर जाके किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये सारा एज इट इज मैंने ब्रैकेट में लिख लिया. अब y की वैल्यू रख देंगे जो हमने ओरिजिनल वैल्यू है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू और ये सारा ब्रैकेट का एज इट इज उतार देंगे. अब u v w के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, v w आ जाएगा इंटू में du अपॉन डी एक्स प्लस v जब इसमें करेंगे तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, u इंटू डब्ल्यू डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, फिर जब इसमें करेंगे तो w कैंसिल आउट हो जाएगा तो u इंटू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स है. यानी कि आंसर हमारा आ गया, चाहे आप प्रोडक्ट रूल से करोगे चाहे आप लॉगरिदम से करोगे, हमारा प्रूफ होता है.